आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम 4:30 बजे टीआरपी गेम जोन में आग लगने से 30 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड की 8 टीमें करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा पाई। 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। राहत कार्य रात भर जारी रहा। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। चश्मदीद के मुताबिक कालावड़ रोड स्थित इस गेम जोन में वीकेंड की वजह से 500 रुपए का टिकट 99 रुपए में दिया जा रहा था, इसलिए भीड़ ज्यादा थी। देर रात हादसे के बाद पुलिस ने गेम जोन के मालिकों में से एक यशराज सोलंकी और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 एकड़ में फैला 3 मंजिला गेम जोन 2020 में बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर लकड़ी और टीन शेड पर खड़ा था। कई जगह रिपेयरिंग और रिनोवेशन का काम भी चल रहा था। एक जगह सीढ़ी पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से ब्लास्ट हुआ और आसपास आग लग गई। गेम जोन पर डोम कपड़े और फाइबर से बना था। स्ट्रक्चर लकड़ी, टीन और थर्माकोल शीट से बनाया गया था। फर्श पर भी रबड़, रेक्सिन और थर्माकोल लगा था। इसके अलावा गेम जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी स्टोर किया गया था, इसलिए आग कुछ मिनटों में ही तेजी से फैल गई। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।